नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम मई का आ चुका है और इस दौरान एक बड़ी अहम जिम्मेवारी किसानों की भी होती है, वो होती है मिट्टी जांच की। आखिरकार ये मिट्टी जांच के फायदे क्या हैं, करवाने की ज़रूरत क्या है, और इसके लिए हम मौजूद हैं पटना के कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में। और आज हमारे साथ जो दिख रहे हैं वैज्ञानिक, इनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता जी और ये मिट्टी जाँच लैब से जुड़े हुए सहायक अधिकारी हैं उसके। और ये आज हमें बताएंगे कि खेतों में कैसे मिट्टी निकाली जाती है और कैसे उसकी कलेक्ट किया जाता है और किन किन बातों का विशेष ध्यान होता है। मौसम अनुकूल आजकल जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके अंतर्गत मिट्टी जांच कराना बहुत ही अत्यंत जरूरी है, क्योंकि खाद के अंधाधुंध प्रयोग होने के कारण एक जो हमारी मिट्टी है वो भी ख़राब हो रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं और प्रचुर मात्रा में डाले जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं भी है और जिनकी आवश्यकता भी है लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा डाले जाते हैं। हम किसान बंधुओं से आग्रह करेंगे कि जब भी आप खेत में खाद का उपयोग करें या अन्य जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें उनका अगर उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मिट्टी जाँच अवश्य करवाएँ। मिट्टी जाँच कैसे करते हैं, चलिए चलते हैं हम आपको खेत में, हम बताएंगे कि मिट्टी जांच के लिए जो हम मिट्टी लेते हैं तो किस तरह लेना चाहिए, बाकी मिट्टी जांच लेकर के मिट्टी खेतों से लेकर के और उसको किसी आपके आसपास जो भी लैब हैं, जैसे बिहार सरकार के अंदर के बहुत सारे ऐसे लैब हैं जहां मिट्टी जांच होती है, कृषि विज्ञान केंद्र है जहां मिट्टी जांच होती है, बहुत सारे ऐसे जैसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय है या राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर मिट्टी जाँच होती है। आप वहाँ पर उनको मिट्टी को पहुँचाइए ताकि आपको जाँच कर करके उसका प्रतिवेदन आपको दिया जा सके, ताकि उस प्रतिवेदन में अंकित रहता है कि आपके मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है और उसी के हिसाब से आपको यानी जो भी आप DAP यूरिया पोटास आप खेत में यूटिलाइज करते हैं या उपयोग करते हैं तो उन्हीं प्रतिवेदन का अगर कम है तो थोड़ा सा बढ़ा के देंगे, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम करके देंगे, अगर हमार ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है नॉर्मल कंडीशन में हमारी मिट्टी है तो क्यों अधिक हमारे DAP यूरिया पोटास का उपयोग करना नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी मिट्टी में है तो हम अपने पैसे को भी बचाएंगे और खाद को भी बचाएंगे और अपनी मिट्टी को भी बचा सकते हैं। जी सर, ये समय उपयुक्त है इसी समय? हाँ, जनरली हम जब भी मिट्टी जांच कराएं तो कोशिश करें कि जब हमारी फसल कटनी हो जाती है, जैसे कि अभी रबी फसल की कटनी हो चुकी है, जनरली अभी सब जगह खेत परती पड़े हुए हैं तो अभी उपयुक्त समय है कि मिट्टी का जांच अभी करवा ले। जी सर, तो बताइए सर क्या विधि होता है, कैसे कैसे? जनरली जब भी हम खेत में जाएं तो देखते हैं कि रबी कटनी के बाद जनरली खेत में घास फूस रहते हैं, अगर खेत में जैसे कि अगर घास फूस है अगर इस तरह का तो कोशिश करें कि हाथ से उसे दुभी को नोच फाच के हटा, जैसे घास उस तो उसे नोच करके हटा सकते हैं, ठीक ना। अगर घास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तो सर ये ठीक ना कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? जनरली अगर बहुत बड़ा अगर प्लॉट हो तो कोशिश करेंगे कि इसके W पैटर्न में, जैसे W लिखा जाता है ना उसी पैटर्न में खेत में चल करके उसको पहले खुरपी से अंकित कर देंगे कि हम कैसे कैसे चले हैं, उसको अंकित कर देंगे। अंकित करने के बाद हसुआ से यदि खुरपी से उसमें हम मिट्टी लेंगे, अब कैसे लेंगे ये आपको हम बताते हैं। अगर कहीं छोटा प्लॉट है तो कोशिश करेंगे कम से कम यानी मिनिमम 5 जगह से, यानी चारों कोन और एक मिडिल। तो अगर छोटा इस खेत में कैसे करेंगे? अगर ये अगर प्लॉट है लगभग ये 4-5 कट्ठे का प्लॉट है तो कोशिश करेंगे कम से कम यानी 5 से 6 जगह, 7 जगह से कम से कम मिनिमम कम से कम ले, मैक्सिमम जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो उतना ही अच्छा रहता है, ताकि आप पहला स्टेप कहाँ से करेंगे? हाँ, जनरली कि जैसे कि ये हमारे यहाँ यानी खेत है, अभी इसमें कुछ आलू वगैरह लगा हुआ था तो जैसे कि दुभी यहाँ कम है, दुभी नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक ना। तो कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा ऊपर का लेयर है अगर कुछ घास फूस हो तो उसको हटा देंगे, उसके बाद खुरपी की सहायता से लगभग 7 इंची तक लगभग वी शेप में नोच बनाएंगे, ठीक ना, और ये वी शेप नोच बना करके ये मिट्टी हटा लेंगे 7 इंची तक, लगभग 6 से 7 इंची तक ये मिट्टी वी शेप में, हाँ वी शेप में नोच बना करके ये मिट्टी को हटा देंगे जी। ठीक, ये हमारा हो गया वी शेप नोच तैयार हो गया। उसके बाद ये दोनों किनारा, ये किनारा और ये किनारा, दोनों किनारे से लगभग 0.5 सेंटीमीटर मिट्टी को खकोर लेंगे, दोनों साइड से 0.5 सेंटीमीटर तक मिट्टी हम खकोर लेंगे और उस मिट्टी को कलेक्ट करते चले जाएंगे हम लोग।
तो ये एक ही में सब रेट डालेंगे? हाँ, ये तो हुआ एक जगह से जी जी। हाँ, इसी तरह जितना मैक्सिमम जगह हो सके, मिनिमम अगर छोटा प्लॉट है तो मिनिमम 5 जगह कम से कम, यानी आरी छोड़ करके, ठीक ना, आरी से लगभग 2-3 फीट अंदर ही 4 कोना और एक मिडिल, अगर छोटा प्लॉट हो तो। और बड़ा प्लॉट है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम W शेप में चल करके चीन लगा देंगे, और मैक्सिमम कम से कम जितना हो सके 20-25, ठीक ना, अगर एक हेक्टेयर की अगर ज़मीन है तो कम से कम 20-25 जगह से कम इसी तरह से सैंपल कर करके मिट्टी हम इसको पोलिथीन में इकट्ठा करते चले जाएंगे। अलग अलग करेंगे? नहीं, एक ही जगह इकट्ठा करते चले जाएंगे। हाँ, एक ही मिट्टी में इकट्ठा करते चले जाएंगे। और छोटा प्लॉट है तो कम से कम मिनिमम 5 होना ही चाहिए। अलग जगह से मिनिमम 5। अगर बड़ा प्लॉट है तो कोशिश करेंगे कम से कम 20-25 जगह से मिट्टी को कलेक्ट करते चले जाएंगे। तो ये पूरी विधि है सर? हाँ, ये पूरी विधि है। और मिट्टी जब कलेक्ट हो जाए, अब है कि इस मिट्टी को हमको लैब तक पहुंचाना है जी सर। तो लैब तक पहुंचाने से पहले ऐसा नहीं कि मान लिए कि 5 जगह 6 जगह 7 जगह से अगर हम मिट्टी कलेक्ट करते होती है तो मिट्टी प्रचुर मात्रा में हो जाती है। कम से कम एक जगह से मिट्टी कलेक्ट करते हैं तो एक जगह से भी 250 ग्राम 300 ग्राम तक मिट्टी हो जाती है। अगर 6-7 जगह से करेंगे तो कम से कम ये 2-3 किलो मिट्टी हो जाती है। मिट्टी लाते हैं खेत से तो कोशिश करेंगे कि ये तो बहुत कम मिट्टी है। जब खेत से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी लाते हैं तो कोशिश करेंगे कि उसको किसी जगह पे फैला ले और इसको गोल कर ले और इसको 4 भाग में ऐसे करके काट दे और 2 भाग को फेंक दे। तो स्वाभाविक है जो मिट्टी 4 किलो होगी अब वो 2 किलो हो जाएगी जी सर। अब 2 किलो मिट्टी हो गई, अब 2 किलो को फिर से गोल बना लेंगे जी सर। फिर गोल बना, फिर से इसे काट लेंगे। अब 2 किलो मिट्टी, अब 1 किलो मिट्टी हो गई, अब 1 किलो को भी फिर से काटेंगे 4 भाग में तो ये 1/2 किलो मिट्टी हो जाएगी। इस 1/2 किलो मिट्टी का हमको किसी भी नज़दीकी मिट्टी जांच केंद्र, किसी विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय केंद्र में लगभग पहुंचाना है। कितने दिन में सर जांच हो जाता होगा? अगर मिट्टी के नमी पे डिपेंड करता है, अगर नमी यानी बहुत कम हो या मिट्टी नहीं, नमी नहीं हो तो 10-15 दिन में ये लगभग जांच कंप्लीट हो जाता है। सूखी खेत में ही चाहिए या नमी जो जोते हो? नहीं, जैसे हमने जिस तरह से निकाला है वो भी खेत की जमीन चलेगी? हाँ, जनरली कटने के जस्ट उपरांत, जैसे कि आज हमारी फसल कट गई तो फसल कटने के जस्ट उपरांत हम सैंपलिंग कर सकते हैं। अगर आपके खेत में अगर नमी है तो सैंपलिंग कर लीजिए और उसको किसी छायेदार जगह पे उसको सुखा दीजिए, उसके बाद आप मिट्टी सुखा दीजिए। जैसे बारिश हुई है हाँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी को कभी भी धूप में ना सुखाएं, इसे छायेदार जगह पे सुखा करके तब इस मिट्टी को आप लैब में पहुंचा दीजिए।